विवेकानंद जी ने काम कैसा किया? वो सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं रहे, उन्होंने आइडियाज को आइडियलिज्म में कन्वर्ट किया और आइडियलिज्म और आइडियाज का कॉम्बिनेशन करके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया। आज से करीब 120 साल पहले इस महापुरुष ने रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया, विवेकानंद मिशन को जन्म नहीं दिया, रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। बात छोटी होती है लेकिन अकलमंद को इशारा काफी होता है। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का जिस भाव से जन्म हुआ, आज 120 साल के बाद भी न डाइल्यूजन आया है न डाइवर्जन आया है। एक ऐसी संस्था को कैसी मजबूत नींव बनाई होगी उन्होंने, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा, विजन कितना क्लियर होगा, एक्शन प्लान कितना साफ होगा, भारत के विषय में हर चीज की कितनी गहराई से अनुभूति होगी, तब जाकर के एक संस्था 120 साल के बाद भी, वो आंदोलन आज भी उसी भाव से चल रहा है।